बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर औरत जिनाह करे, शादीशुदा औरत जिनाह करे, तो क्या उसके जिनाह की वजह से उसका निकाह टूट जाता है उसके शोहर के साथ? इसके बारे में वजाहत फरमा दीजिए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि वला तकरबुज़ ज़िना इन्नहू कान फाहिशा, कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ। और हदीस मुबारका में आता है कि एक अच्छी औरत की निशानी ये है कि वो अपने खाविंद की गैर मौजूदगी के अंदर अपनी इज्जत की हिफाजत करे और उसके माल की हिफाजत करे। ये बेहतरीन औरतों के औसाफ अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए हैं। याद रखिए, मर्द हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औरत को किसी और बिस्तर पर बर्दाश्त नहीं करता। रही बात ये, अगर कोई औरत किसी से जिनाह कर लेती है, इस सूरत में निकाह नहीं टूटता, लेकिन गुनाह बड़ा सख्त है। शरीयत कहती है अगर कोई शादीशुदा जोड़ा जिनाह कर ले, शादी है इसके बावजूद उसने जिनाह कर लिया है, फिर उसको संसार किया जाएगा। संसार किसे कहते हैं? ये अभी नहीं कि हम ये कानून अभी लागू कर दें, ऐसे नहीं है। जहां पर इस्लामी निजाम होता है वहां पर ये काम होता है। उसको पत्थर मार मार कर उसको मार दिया जाएगा। शादीशुदा अगर ये काम कर ले तो ये इतनी सख्त वईद आई है। और अल्लाह के नबी के जमाने में ऐसे वाकत पेश आए तो ऐसा हुआ, अगर कोई कंवारा ये काम कर, सौ सौ कोड़े उसको मारे जाए, उसको तो निकाह नहीं टूटा। बहरहाल ये बहुत बड़े खतरे की बात है, गुनाह की बात है। अल्लाह ताला हम सबको हिफाजत फरमाए। दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।